लेते हैं तो आपको 15,000 कैश देगी गवर्नमेंट, अगर आप रिक्शा लेते हैं तो 25,000 कैश आपको गवर्नमेंट देगी, और अगर आप गाड़ी लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए आपको कैश मिलेगा। वो इसलिए है कि ये एक ऐसी चीज है जिसका फायदा है, और इस वक्त साउथ एशिया के मुल्क इस रेस में है कि कौन सा मुल्क एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बनेगा राइट हैंड ड्राइव व्हीकल का। तो हम पाकिस्तान को उधर लेके जाना चाहते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें पहल भी की है और पाकिस्तान ये पॉलिसी जल्द इम्प्लीमेंट करे। हमारा टारगेट है कि विदिन 1 मंथ हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। कराची शामिल है जी, बिल्कुल, ये सब कराची से आए हुए हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। कराची में बहुत ज्यादा इसकी आप देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि इसके जो पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, जो इसके जो कन्वर्जन पार्ट्स बनाएंगे वो तमाम कराची के हैं लोग, और उन्होंने काम बड़ा किया हुआ जबरदस्त, और हमारे साथ बैठे हुए चैट मीटिंग में। There must be a robust kind of dialogue among the stakeholders. As we saw in the meeting, they were lamenting that the PATMA and other associations have not been incorporated in the policy discussions. In order to curb the cut-throat competition, what else strategies would you adopt through your policy to promote this emerging technology sector? As you rightly said, we are in favor of open dialogue. So we will, inshallah, be having a dialogue with car manufacturers, also the existing car manufacturers in Pakistan. But I think that we need to incentivize this policy so that it opens up avenues for new businesses to come to Pakistan. Ab iske andar duniya ke andar bahut zyada incentive diye ja rahe hain electric vehicle ko, kyunki ye fayda deti hai aapke mulk ki economy ko, fayda deti hai aapke balance of payments ko, fayda deti hai aapke consumer ko, fayda deti hai aur aapke environment ko fayda deti hai. इंशाल्लाह हम भी इसमें बड़ा अग्रेसिव हमारी पॉलिसी है, एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जल्द ग्राउंड पे आके कामयाबी होगी। जी बाहर की मैं अभी परसों जा रहा हूँ लाहौर के अंदर, वहाँ पर हम इफ्तिताह कर रहे हैं एक ऐसी फैक्ट्री का जो कि इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाना शुरू करेगी पाकिस्तान में, वो उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है परसों। इसी तरह गाड़ियों का मैनुफैक्चर पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये पॉलिसी के तहत बड़ी जल्दी यहाँ पर इंशाल्लाह ये ओपनिंग मिलेगी, और ये 2-3 साल की ओपनिंग है। अगर पाकिस्तान ने ये मिस कर दी तो फिर हम एक नेट इम्पोर्टर बन जाएंगे, कि बनाएगा कोई और, हम सिर्फ पैसे देकर उसको गाड़ी को यहाँ ले आ करेंगे। अभी हमारे पास ये ओपनिंग है कि हम एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं इलेक्ट्रिक। Are there any special economic zones designed under the electric vehicle? Under the policy, there is a provision for making a special economic zone for electric vehicles, and we are already in touch with a few existing special economic zones so that we can use their benefits plus the EV policy benefits to get manufacturing in Pakistan. Isme we are in touch with the Kamra Aviation City also, because they have got semi-skilled labor over there. सर, ये परसों की मीटिंग के बाद AIDC की मीटिंग के बाद एक कंफ्यूजन पैदा हो गया था कि ये पॉलिसी जो बनी हुई है कोई दूसरी बनेगी या इस पॉलिसी को EDP देखेगा। कोई ऐसा भाव नहीं है कि ये पॉलिसी ये कैबिनेट ने अप्रूव की हुई पॉलिसी है, मैंने नहीं बनाई पॉलिसी है, मैंने अप्रूव नहीं की, कैबिनेट की अप्रूव पॉलिसी है, यही पॉलिसी है, इसके ऊपर जिसने इनपुट देनी है वो देखे इसको, इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।